हिमाचल प्रदेश के एक लड़के को बचपन से ही एक्रोमिगेली नाम की एक बीमारी हो गई। इस वजह से उसके बॉडी का आकार नॉर्मल लोगों की तुलना में कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। इसके पिता एक किसान थे। परिवार के आर्थिक हालातों को देखते हुए इस बंदे ने पढ़ाई छोड़कर काम करना शुरू किया, लेकिन उन पैसों से गुजारा नहीं होने की वजह से वो शिमला चले गया। वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगा। उसके बाद वह पंजाब पुलिस में शामिल हो गया। वहाँ पर उसके बॉडी को देखते हुए जालंधर के एक जिम में रेसलिंग के लिए बुलाया गया। उसके बाद अक्टूबर 2000 में वो अमेरिका चला गया और वहाँ पर जब उसने पहली बार ऑल प्रो रेसलिंग में पार्टिसिपेट किया तो बड़े बड़े रेसलर उन्हें देख कर ही कांप गए। दोस्तों, इस बंदे की मार की वजह से 28 मई 2001 को एक रेसलर की मौत भी हो गई थी। उसके बाद 2 जनवरी 2006 को ये बंदा WWE में शामिल होने वाला पहला भारतीय बना, जिसने अंडरटेकर को मात्र 10 मिनट में हरा कर बाकी रेसलर्स के दिमाग में एक डर पैदा कर दिया था। उस बंदे का नाम है दलीप सिंह राणा, जिसे हम खली के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।